गुरुग्राम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे ज्वेलर्स पर हमले को देखते हुए सुनार समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जिला आयुक्त पुलिस से कला रामचंद्रन से मिलने के लिए गया। कला रामचंद्रन से मिलने के दौरान उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लोगों पर हमले हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। उन्होंने बताया कि लोगों का इस तरह से पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है, जिसके लिए पुलिस को कुछ करना होगा। पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने उनको विश्वास दिलाया कि जो अपराधी हैं वो जल्द ही पुलिस के सलाखों के पीछे होंगे और साथ ही आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश भी लगाया जाएगा। आप हमारे साथ ये खबर देखिए, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं सुनार समाज के अध्यक्ष और महासचिव जी से भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप आए हैं सीपी मैडम से मिलने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैसेल्फ आशीष वर्मा, मैं सुनार समाज कल्याण समिति से जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम सीपी साहिबा से मिलने आए थे और सीपी मैम ने जिस हिसाब से हमारी सारी बातें सुनी, अमित जी जरा डिस्क्लोज की। ऐसा है कि हमने सीपी मैम को एक लेटर दिया है और उन्होंने ये आश्वासन क्या मतलब फाइनल डिसीजन ही दे दिया है कि वहाँ पर डीसीपी वेस्ट और अपने डीसीपी क्राइम दोनों साहिबान थे उपस्थित, उनकी उपस्थिति में और हमारे जो प्रतिनिधि मंडल था उनकी हमारे उपस्थिति में ये कहा है कि हम जो है शुक्रवार 4 बजे पुलिस लाइन में कम्युनिटी सेंटर में एक हम गेट टुगेदर करेंगे, जिसमें कि हमारे सारे ही जो ज्वेलरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हम सबको इनवाइट करेंगे और इस मुद्दे को डिस्कस होगी और इस मुद्दे को आगे ले जाया जाएगा और उसमें अपने जो पुलिस के हमारे अफसर होंगे या हमारे जो भी सच्चे बुलाए वो होंगे, हमारे पूरे ही ज्वेलरी से जुड़े हुए जो हमारे भाई लोग हैं वो सभी होंगे। अब ये टास्क हम पूरा कर रहे हैं और हमने जितने भी हमारी गली कुचों की दुकानें हैं या सदर बाज़ार कहीं भी है हमारा जो गाँव शहर में है, हम सबकी लिस्ट बना के उनका मोबाइल नंबर लेकर और उसके बाद नाम लेकर उनको सबको इन्फॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो देखो हमारा चाहे बड़ा है या छोटा है, जो भी व्यापारी है सभी व्यापारी वर्ग को बुलाएंगे और इसके बारे में जो भी फैसला होगा या जो भी डायरेक्शन होगी, जो हमारे सुझाव होंगे या जो हमें पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमें सुझाव देगा हम उनको देंगे, उसका जो निर्णय होगा उसको डिस्कस करके चर्चा करके डिसीजन लिया जाएगा और प्रॉपर इसकी गाइडलाइन बनाई जाएगी। जो हमारी कमियां रही है हमारी हो या एडमिनिस्ट्रेशन की हो, उसको हम भविष्य के लिए हम सचेत करेंगे और जो हमारे ये भाई का जो अभी केस पेंडिंग है उस केस को भी हम आगे बढ़कर एडमिनिस्ट्रेशन को हम भी साथ देंगे। ऐसा बात नहीं है सारी पुलिस काम नहीं कर सकती, हमें भी साथ रहना पड़ता है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारी बात सुननी होगी और जो हमारी समस्याएँ हैं हमारे जो साथियों पर अटैक हो रहे हैं उसको हम जो है सरकार से ये सुनिश्चित कराएंगे कि इसका भविष्य में निवारण किया जाए। सर क्या कहना चाहेंगे कि इतने वक्त बीत जाने के बाद भी मुजरिम पुलिस की पकड़ से दूर है, इस बारे में? नहीं, अभी हम जो है शुक्रवार को जो मीटिंग होने जा रही है अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है और ये एक मैटर ऑफ इंक्वायरी है, मैटर ऑफ इंक्वायरी में कोई भी ऑफिशियल कभी भी नहीं बोलेगा अरे भाई ये हुआ है ये नहीं हुआ है, क्योंकि ये इस पर इंक्वायरी पर साइड इफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ से हम भी सहमत हैं और हम शुक्रवार को मिलकर इस मामले को हम सुलझाएंगे, आपस में मिलेंगे बैठेंगे, इसीलिए हमारी मीटिंग रखी गई है कि वहाँ हमारे सारे प्रतिनिधि आए, हमारे सारे वहाँ भाई आए और इधर से एडमिनिस्ट्रेशन भी आए, पुलिस विभाग के जो है ना ऑफिसर भी आए और हम जो हमारे मुद्दे होंगे और हमारी जो है परेशानियाँ हैं हमारी दिक्कतें हैं हम उनके सामने इसको रखेंगे। कितना प्रतिशत संतुष्ट है आपसे मैम? हाँ, उसमें अभी हम 50% है, क्योंकि अभी हमारा जो फाइनल जो डिसीजन जो उनका वे ऑफ टॉकिंग था या उनका बिहेव था वो हमारा पॉजिटिवनेस था, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, लेकिन हमारी जो ये डिमांड लगाइए मांग लगाइए इसकी हमारा फाइनल जो मैटर है विल बी डिसीजन ऑन फ्राइडे एट 4:00। चलिए, धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए।